हे दोस्तों, मेरा नाम है सिम्बा। सो गाइस, मैं जंगल में रहता हूँ। अरे मैं, एक मिनट, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। लगता है आप लोग तो मेरे को नहीं देख पा रहे। हेलो गाइस, देखो मैं हूँ सिम्बा, मैं हूँ छोटा सिम्बा। तो गाइस मैं ना यहाँ पे रहता हूँ, और ना यहाँ पे गाइस मेरा बड़े भैया का हालत देखो। गाइस दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरा फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है। इन लाइन का हालत देखो, ये भी मेरे बड़े भैया है, मैं सबको बड़े भैया मानता हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरे बड़े भैया कितना अमीर है, कितना अमीर, उसके पास इतना अमीर है, इसे डस्टबिन की तरह पैसा उड़ा रहे हैं। पागल गई यहाँ से भाग जाएगी छोटे, अभी मेरा पैसा तू खराब कर रहा है, तेरा दिमाग नहीं है, फटाफट यहाँ से भाग जा, नहीं तो रैप तगाएगा मेरे हाथ में। बड़ा आया गरीब होके मेरे पैसा को हाथ लगाने में, साला दिमाग नहीं है कभी दी, चुपचाप यहाँ से भाग जाने, तो कान के नीचे इतना रैप तगाऊंगा ना। देखे ना, ये तो व्हाइट लाइन है, और मैं ना बोलती तो गरीब हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अरे दोस्तों यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उनसे भी एक बड़े भैया है। देखो ये तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। देखो उनके, इनके पास है गोल्ड, गोल्ड बहुत ज्यादा गोल्ड। सो गाइस देखो, आप देखोगे समझ जाओगे। ये देखना दोस्तों कितना बढ़िया बढ़िया गोल्ड है। काश गाइस मेरे पास भी ऐसा गोल्ड होता। ये भैया बहुत बहुत ज्यादा मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा। देखो इनके पास एक गोल्ड का कार है, आप सही से नजर आ रहा है कि कुछ नहीं पता। देखो सामने ना एक गोल्ड का कार है, गोल्ड का कार, वो बहुत बहुत ज्यादा महंगा होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा महंगा। ये सिर्फ पूरे जंगल में ये भैया के पास है। हाँ अरे बड़े भैया, मैं एक थोड़ा सा डायमंड ले लूँ, गोल्ड ले लूँ। तेरा हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पहले से, तूने मेरे को ना बताया है तू मेरा डायमंड कैसे छुआ। तू छोटा बच्चा के बच्चे रह जाएगा, मेरा फैमिली भिखारी है, तू भिखारी रह जाएगा पूरी जिंदगी। बड़ा आया मेरा गोल्ड छूने वाला। देखा दोस्तों, ये सब कैसी उल्टी सीधे बात कर रहे हैं। अरे दोस्तों अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, उनसे भी एक बड़े भैया है, ये तो उनसे भी ज्यादा अमीर है। देखो दोस्तों, और रहा एक भैया, उनके पास डायमंड ही डायमंड है। सो गाइस मैं जानता हूँ दुनिया का सबसे कीमती चीज होता है डायमंड, और वो भैया के पास देखो डायमंड का कार्ड भी है, डायमंड का कार्ड। जो दोस्तों मैं आपको टीचर नजर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे ना, देखो गाइस देखो देखो ये डायमंड का कार, ऊपर गाइस डायमंड ही डायमंड है। सो गाइस आप देख के तो समझ जाओगे यहाँ का हालत क्या है। ये सब बहुत 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 ज्यादा अमीर है, और मैं ना गाइस बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए ये सब भैया मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और बोलता है तू छोटा है, तू बेकार है, तेरे दिखने में भी तेरे को अच्छा नहीं है, और तू बहुत बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ, घर में बैठ बैठ के रोता हूँ। अबे ओए यहाँ पे घर रह रहे, मेरे हाथ में मार खाएगा क्या? हाँ तू मेरे डायमंड को कैसे छुआ? बेदी भिखारी, नालायक, निकम्मा, बेवकूफ, हाँ तूने मेरे डायमंड कैसे हाथ लगाया? अभी नीचे उतारता हूँ तेरा सर फोड़ दूंगा कसम से, भाग जाए बेदी गई के। चलो दोस्तों मैं यहाँ से बड़ा भाग जाता हूँ। बोला नहीं भैया बहुत ज्यादा गुस्से है, इनके पास बहुत ज्यादा डायमंड है, मगर ये बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। क्यों गाइस, मैंने आपको बोला ना गरीब हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए गाइस बहुत ज्यादा मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। और ना गाइस, तो गाइस काश मैं बहुत ज्यादा अमीर होता, उसके बाद गाइस मैं सबको अपना डायमंड बांटता, पैसा बांटता, मैं सबको अमीर बना देता। तो दोस्तों ये सब बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो गाइस मुझे ना बहुत ज्यादा अमीर बनना है। मैं ऐसे रहते रहते मैं बहुत ज्यादा गरीब बन चुका हूँ दोस्तों। तो गाइस मेरे को भी बहुत ज्यादा अमीर बनना है, उसके बाद मैं मेरे फैमिली को ना दोस्तों अच्छा लाइफ दे पाऊंगा, मुझे मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा खुश देखना है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। भाई मेरी एक बार बात सुन लो, अरे भाई भाई मेरी बात सुन लो, मैंने पैसा लौटा दिया है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दो साल का पैसा कौन देगा? अरे भाई मेरी बात सुन ले, मैंने उसको पैसा लौटा दिया। सो गाइस मैंने इन सबको पैसा दे दिया, फिर भी मेरे से पैसा मांग रहे हैं 1 लाख। मैं कहीं से 1 लाख रुपए में इन सबको दूं यार? लग गया ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, चुपचाप पैसा देगा क्या? नहीं बोल। अरे भाई मेरी बात लास्ट बार के लिए सुन लो, मैंने तुमको 2 साल पहले 1 लाख रुपए पूरा सूद समय दिया था। मुंह क्या देखो मां साले को, अरे यार फंस गया। अरे भाई बात तो सुन लो, भाई मैंने पैसा दे दिया था, मार साले को, मार मार को मुंह फोड़ दे। अरे यार, अरे फंस गया, ये तो मुंह पे लात मार रहा है, मार साले को, मजा आ जाएगा मार। अरे मैं तुमको 1 लाख रुपए कब दे दिया था? अरे यार कैसे बंदे सब, मार साले को मार। अरे भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने इनको 1 लाख रुपए दे दिया था। चल एक दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से आएंगे, इसको मुंह तोड़ देंगे कसम से, जरूरत पड़े तो पूरा मार देंगे, छुरी ले आएंगे, पूरा खुत्ता फोड़ देंगे कसम से। ओ दोस्तों, सो गाइस मेरा नाम है फ्रैंकलिन, सो गाइस मैं लॉस सैंटोस में रहता हूँ। सो गाइस सीन ऐसा कि सो गाइस मैं इन सबसे 1 लाख रुपए उधार लिया था 4 साल पहले, और सो गाइस 2 साल पहले मैं इन सबको सूद समय पूरा 1 लाख रुपए लौटा दिया, फिर भी गाइस ये सब अपना जिद नहीं तोड़ रहे भाई, ये सब मेरे से पैसा मांगते जा रहा है। सो गाइस मैं कैसे इन सबको पैसा दूं? सो गाइस मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मुझे 2 टाइम का ठीक से खाना नहीं मिलता, और मैं कैसे उन सबको इतना ज्यादा पैसा दे दूं? तो गाइस ये सोच रहे हैं, मैंने इनका अभी तक पैसा नहीं दिया, इसलिए गाइस मेरा मार मार के इतना गंदे हालात कर दिया। ऑलराइट गाइस मेरे को उतना तो पड़ेगा, सो गाइस मुझे यहाँ से फटाफट भागना चाहिए, क्यों गाइस कल फिर से आएंगे सब लोग, फिर से भाई बहुत
बहुत ज्यादा गंदी तरह मारेंगे। सो गाइस मैं हर बार की तरह ऐसे गंदी तरह मार नहीं खाना चाहता। गाइस कसम से देखो मेरा पूरा मुंह एकदम लाल हो चुका है, हर जगह से खून निकल रहा है। गाइस लगता है मुझे ट्रीटमेंट करने का भी पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कहीं से अपना ट्रीटमेंट कराऊं? मुझे फटाफट यहां से भागना पड़ेगा, जितना दम है भाई लगा देता हूं। भाई कसम से भाई ये जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूं आप पैस की। चलो दोस्तों उस तरफ जाते हैं, यहाँ पे तो कार आते ही जा रहा है। अरे मुझे देख के क्रॉस करना पड़ेगा भाई, रुक जाओ यार। गरीब लोगों का ना यहाँ पे भाई कुछ नहीं हो सकता, मैं बड़ा बड़े यहाँ से भागता हूँ। चलो दोस्तों फाइनल किनारा तो मिला। गरीब लोगों का भाई यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, आप अमीर हो तो यहाँ पे सिर्फ रह सकते हो। गाइस गाइस मैं बहुत ज्यादा अमीर होता, उसके बाद मैं इन सबका पैसा लौटा देता और उसके बाद अपना भी जिंदगी गाइस एकदम मस्त कटता। लगता है गाइस इस जन्म में मैं खुश नहीं रह सकता पूरी जिंदगी। दो मिनट पहले हम लोग मिले थे ना दोस्तों, मुझे ना पता चला है एक नदी में कूदने के बाद सब लोग अमीर हो जाते हैं। मेरे बड़े भैया ना ऐसे अमीर हुए थे। जो दोस्तों मेरे को याद आ गया, मेरे को ना ये बात एक मेरे दोस्त ने बताया था। उसने बताया था मैं जब ऊंचे जगह से एक नदी में छलांग मारूंगा उसके बाद मैं भी अमीर बन जाऊंगा। जो दोस्तों मैं अपने फैमिली के लिए ना अपना जान को भाई दोस्तों मैं अपने फैमिली के लिए ना यहाँ से कूदने वाला हूँ। लगता है दोस्तों आपका थोड़ा जरूरत पड़ेगा। जो दोस्तों जो जो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों मैं यहाँ से जंप करूंगा, यहाँ से जंप करने के बाद मैं अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद अपने फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ दूंगा। तो दोस्तों मैं चला 1 2 3 या मैं चला मेरी दोस्तों मैं अपने जिंदगी से भाग रहा हूँ। क्यों गाइस? वो सब लुटेरे गाइस कुछ टाइम बाद फिर आएंगे, उसके बाद मेरे को मार के फिर से चले जाएंगे भाई, मैं जब तक उनका पैसा नहीं लौटा देता। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ ऐसे हर दिन मार खाते खाते मेरे को भी तंग आ चुका है मेरे जिंदगी से। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं अपना जान ही दे देता हूँ। सो गाइस उसके बाद तो आई होप मैं खुश रहूंगा अपने लाइफ में। सो गाइस मुझे ऐसे लाइफ में जीना ही नहीं है जिस लाइफ में खुद किसी चीज का कोई नामो निशान ना हो। खास गाइस मैं अमीर होता हूँ उन लोगों की तरह। सो गाइस आप सामने देख रहे हो भाई उनके पास जो क्या बढ़िया कार है भाई, वो हर जगह घूम सकते हैं अपने फैमिली के साथ, और मेरा कोई फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है। और गाइस और ऊपर से हर बंदा आके गंदी तरह मारते हैं। 1 मिनट गाइस मेरा सर क्यों चकरा रहा है? अरे मेरा सर चकरा गया क्या काम से? 3 hours later अरे बता रहे मैं जंगल का राग वाला पुत्र, मैं हर रोज यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ पुत्र। पुत्र मेरा स्पीड देख लो पुत्र, मैं हर सुबह आके यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ पुत्र, और मैं बहुत ज्यादा दूध पीता हूँ, उसके बाद मेरा इतना शक्ति बढ़ गया है पुत्र, देखो क्या तेज हो रहा पुत्र। आए हाय हाय पुत्र, पुत्र मैं दुनिया का रखवाला हूँ, ऐसे वैसा रखवाला नहीं पुत्र, मैं दुनिया का देखता हूँ एकदम। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पुत्र, मेरे को कोई ना हरा पाए पुत्र, इसलिए मैं यहाँ पे आके मस्त ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद दूध पी के घर चला जाता हूँ पुत्र। 1 मिनट लगता है पुत्र कुछ गड़बड़े, 1 मिनट पुत्र ये तो दोनों मर चुके हैं, 1 मिनट ये लगता है पानी में बहते बहते यहाँ पे आ चुके हैं। अरे पुत्र दोनों का तो सांस एकदम बंद हो चुका है पुत्र, एक तो लगता है एक बंदा आया, दूसरा देख बेबी लाइन है पुत्र। 1 मिनट इन सब से तो भाई सही नहीं हुआ, लगता है ये सब अपने दुख के मारे अपना जान दे दिया पुत्र, इनके साथ सही नहीं हुआ पुत्र। लगता है पुत्र मुझे कुछ करना पड़ेगा पुत्र, क्यों पुत्र? मैं थोड़ा जादू टोना जानता हूँ पुत्र, मैं बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ और मेरे पास थोड़ा जादू पावर है पुत्र, वो यूज करके मैं इन सबको बचा सकता हूँ पुत्र। इतना काफी नहीं हो पुत्र, मैं इनका सिर्फ सोल ही बचा सकता हूँ पुत्र, पुत्र मैं इनका सिर्फ सोल को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ पुत्र, मैं उनके बॉडी को फिर से बचा नहीं सकता पुत्र। सो पुत्र मैं सोच रहा हूँ भाई इन सब का हालत इतना गंदा कैसे हुआ पुत्र, लगता है इनसे पूछना पड़ेगा पुत्र। चल अपना पावर यूज कर लेता पुत्र, आई होप उसके बाद कुछ हो जाए पुत्र। सो दोस्तों उससे पहले ना आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जो देख रहे हो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो पुत्र, उसके बाद मैं इन सब का सोल बाहर निकाल सकता हूँ पुत्र। पुत्र सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद मैं इन सब को जिंदा कर सकता हूँ, अरे ये सब अपनी बात कर सकते हैं, मैं इन सबसे बात भी कर सकता हूँ पुत्र। फटाफट अपना सब्सक्राइब कर दो पुत्र, उसके बाद काम निकल जाएगा भाई, इन सब का सोल बाहर आ जाएगा पुत्र। मैं अपना जादू शुरू कर दिया पुत्र, चलो फटाफट सब्सक्राइब कर दो पुत्र। चलो पुत्र क्या देख रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो पुत्र, इन सबको जिंदा करना है मेरे को जैसे करके पुत्र। 1 मिनट गाइस हुआ क्या था यहाँ पे, 1 मिनट। अरे भैया अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं हल्का हल्का क्यों हो रहा है भाई, हुआ क्या यहाँ पे? अरे दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है कसम से गाइस, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा वो क्या रहे यहाँ पे। लगता है गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस, मेरे को इतना हल्का हल्का क्यों फील आ रहा है, मुझे इतना लगता है गाइस हम लोग क्या अपने शरीर से बाहर आ चुके हैं, मगर कैसे गाइस ये हुआ कैसे, लगता है कुछ गड़बड़ है गाइस। लगता है कुछ तो गड़बड़ है भैया, मैं भी ना बहुत ज्यादा हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। 1 मिनट गाइस मैंने तो देखा नहीं, हम लोगों का बॉडी नीचे गिरा है भाई, तू है कौन, तेरा नाम क्या है? अरे भैया मेरा नाम है शिम्बा, शिम्बा मेरे जंगल में रहता हूँ। और मेरा नाम है फ्रैंकलिन। सो गाइस हम दोनों का बॉडी यहाँ पे बाहर क्यों गिरा है भाई, लगता है कुछ गड़बड़ है।
हाँ भैया, मैंने तो एक बार एक बड़े बहुत बड़े जंगल के ऊपर से एक समुद्र में कूद दिया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और गाइस मैं मर चुका लगता है। भाई मेरे को भी इतना लगता है, हम दोनों मर चुके हैं, उसके बाद हम लोगों का सोल बाहर आ चुका है। भाई भाई तू अपने जान देने का क्यों कोशिश किया था? अरे भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा अमीर बनना है, इसलिए मैंने चमकेट के ऊपर से। भाई इसका सीन मेरी तरह है। सो गाइस मैं भी गरीब हूँ, सो गाइस ये भी लगता है बहुत ज्यादा गरीब था। उसके बाद गाइस ऊपर से कूदने के बाद अपना जान गंवा के बैठा, लगता है गाइस बहुत ज्यादा मासूम था ये। अरे भैया मैं क्या अमीर बन चुका हूँ, मैं क्या आपके मॉम डैड से मिल सकता हूँ भैया? अरे भाई तू कभी नहीं मिल सकता है, हम दोनों मर चुके हैं, हम दोनों का बॉडी वहाँ पे गिरा है, हम दोनों यहाँ पे खड़े हुए, तेरे को अभी समझ नहीं आ रहा? अरे भैया यहाँ कैसे हुआ भैया, ये लगता है बहुत ज्यादा बुरा हुआ हमारे साथ। लगता है मुझे अपना दूसरा जादू यूज करना पड़ेगा। इस जादू में पुत्र इन सबको कुछ पता नहीं, मैं इन सबको ऐसी दुनिया पे भेजूंगा, वहाँ से उन सबको सही सवाल जवाब देके यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा। पुत्र चलो अपना पावर यूज करता हूँ। भाई अचानक से मैं कहाँ पे आ गया? नहीं यार भाई ये हो क्या रहा है? तो गाइस मैं अचानक से मर गया, उसके बाद गाइस मैं क्या ऊपर से नीचे गिर गया। अरे भैया मैं भी गिर चुका हूँ, अरे भैया मेरे को उठना है। अरे भैया हम लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है भैया? यहाँ पे तो हर जगह एकदम पूरा खाली खाली है भैया। भाई मेरे को भी चलने लगता है भाई दूसरा जगह है, भाई हर जगह पूरा खाली खाली है। हम दोनों के अलावा दूर एक दो बंदे खड़ा है, मुझे चलने लगता है उन दोनों के पास जाके बातचीत करना चाहिए, उसके बाद हम लोग इतना तो समझ जाएंगे भाई है कौन सा जगह ये। भाई जो भी हो फटाफट उसके पास जाते हैं, भाई थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, मेरे को चलने लगता है कोई दूसरा जगह है बहुत ज्यादा बड़ा जगह। चलो गाइस मैं फटाफट इनके पास जाता हूँ। हाँ ये सुबह से हो क्या रहा है, लगता है कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है हमारे साथ। चलो गाइस देखते हैं। अरे भैया ये कौन सी जगह है, लगता है गाइस कोई इंसान भी नहीं है। देखो गाइस इंसान का बॉडी भाई ऐसा नहीं होता, इसका नाक तो देखो। अरे भैया ये लगता है कोई दूसरा जीव है। अरे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, आप बता सकते हैं कौन सी जगह है भैया? हम लोगों को बता दो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम सब मर चुके हो, उसके बाद तुम यहाँ पे आ सकते हो, मेरे सवाल का सही जवाब दो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। फटाफट जवाब दो, 9+9 कितना आता है? ऑल राइट गाइस ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सो ये पूछ रहे 9+9 कितना होता है? सो गाइस मैं तो गाइस पढ़ा लिखा हूँ भाई, इतना तो मेरे को पता है 18 होता है। सही बताया, चल बढ़िया। अब फिर दिलायन फटाफट बोल 50+50 कितना होता है, फटाफट बोल, नहीं तो तू यहाँ पे चल के मारेगा। भैया मैं तो जंगल में रहता हूँ, मेरे को ये सब कुछ नहीं पता भैया, अब जिंदा रहना है भैया, मुझे अपने फैमिली से मिलना है। अरे भैया मेरे को बचाओ, यहाँ से लगता है ये मेरे को मार देगा भैया, मेरे को नहीं मरना भैया। यार इसको तो भाई कुछ नहीं आता, क्यों गाइस ऐसे जंगल में रहा था, इसका कोई गलती भी नहीं है। आप कुछ बताओ ना। अरे भाई सुन सुन व्यूअर्स लोग फटाफट पूछ। अरे आप लोग दोस्तों एक बार कमेंट करो ना 50+50 कितना होता है, उसके बाद हो जाएगा। तो गाइस मैं उसको एकदम से जवाब नहीं बता सकता, क्यों गाइस इसके कान में चला गया तो गाइस ये मेरे को भी मार डालेगा और बेबी लायन को भी खत्म कर देगा। मैं बोल रहा हूँ ना फटाफट जाके एक बार 50+50 कितना होता है। अरे भैया अरे फ्रैंकलिन भैया एक ने कमेंट कर दिया 100 होता है। अरे बड़े भैया 100 होता है 100। चलो तुम आगे जा सकते हो दोनों। मैं बाहर आ गया भैया, चलो चलो हम तो दूर जाते हैं, मजा आएगा भैया, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, चलो वहाँ पे जाते हैं, लगता है वो भैया बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अरे बड़े भैया, अरे बड़े भैया यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है? भाई तू रुक जा भाई, तेरे जान को खतरा हो सकता है। सो गाइस मैं नहीं चाहता इसके जान को भी खतरा हो, ये बहुत ज्यादा दिल का अच्छा है भाई बेबी लायन। अरे भाई कौन सी जगह है, हम लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, प्लीज बता सकते हो, हम दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। ये बात है, मैं यहाँ का रखवाला हूँ, तुम्हें एक ही रास्ता है तुम यहाँ से निकल सकते हो, उससे पहले तुमको वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा तुम कैसे निकलोगे यहाँ से। सच बोल रहा है, क्यों गाइस ये बोल रहा है, मैं जब इनका काम कर दूंगा उसके बाद गाइस ये कैसे यहाँ से निकलूंगा, इनका रास्ता तो बता ही सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सब भैया, फटाफट बोलो ना, मैं मेरे दोस्तों लोग को बोलूंगा ये सब कर देंगे। बोल ऐसा रहा है बेबी लाइन, बोल रहा है जो देख रहे हो सबको वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, आई मीन हम दोनों निकल सकते हैं यहाँ से। ना वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और हम दोनों निकलेंगे। हाँ दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारा दोस्तों तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अब आगे क्या करना पड़ेगा आप कर दो। आगे तुम सिर्फ एक, आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दोनों में एक को जान देना पड़ेगा, उसके बाद एक घर जा सकता है अपने दुनिया पे, और वो जब अपने दुनिया पे जाएगा वो बहुत ज्यादा मालामाल हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। एक ही रास्ता है, दोनों में से एक का कुर्बानी चाहिए यहाँ पे, फटाफट अपना जान सैक्रिफाइस कर दो और एक घर जाएगा। एक मिनट गाइस ये तू एकदम से पलट गया, एक सो गाइस ये बोल रहा है जब तक कोई जान नहीं देगा हम दोनों में, उसके बाद गाइस कोई घर नहीं जा सकता। चलो गाइस कर लो बात, भाई कोई एक को मरना ही पड़ेगा।
अरे भैया आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना शो दोस्तों, ये प्रैंकिंग भैया बहुत ज्यादा अच्छी, इनके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। मैं चला दोस्तों, मैं चला अपने दुनिया पे, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा दोस्तों, आप बहुत अच्छे हो। अरे भाई तू 2 मिनट रुक जा, 1 मिनट भाई तू हट जा, फिर दिखाई गए भाई, तूने ऐसा सही नहीं किया। अरे बेबी लाइन में आ रहा हूँ तेरे पास, 1 मिनट गाइस, उसने मेरी वजह से भाई यहाँ से छलांग लगा दिया भाई, कसम से अब तो दोनों मरने वाले हैं। मैं इन सबका परीक्षा ले रहा था, मेरे को पता है ये दोनों बहुत ज्यादा दिल का अच्छे है। अरे दोस्त, अरे ऊपर वाले मेरी बात सुनिए, दोनों को अपने दुनिया पे भेज दो और माला माल कर दो, बहुत ज्यादा पैसा दे दो, ये दोनों दिल का बहुत ज्यादा अच्छे है, इन सबको एक अच्छा सा घर दे दो। 1 मिनट, 1 मिनट लगते हैं, मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ प्यास की। गाइस कसम से आज का दिन बहुत ज्यादा बस से बदतर हो गया, 1 मिनट गाइस मैं कहाँ पे आ गया। सो गाइस मैं एक ऊंची जगह से छलांग मारा था, इतना तो याद है, और उसके बाद गाइस मेरा तो ड्रेस पूरा चेंज हो चुका है। अरे भैया आप कहाँ पे हो, 1 मिनट भैया आप कहाँ पे गिरे, अरे भैया आप इतने लेट क्यों हो, अरे भैया मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। अरे 1 मिनट गाइस, वो तो लिटिल सिम्बा है, एक अचानक से इतना बड़ा कैसे बन चुका है बॉयज, अब ये तो क्या ही बड़ा बन चुका है। अरे भैया कैसे मैं इतना बड़ा बन गया। ऑलराइट गाइस, मुझे तो नहीं लगता है, हम दोनों जहाँ पे गए थे वहाँ पे परीक्षा लिया गया था, उसके बाद हम लोग परीक्षा में पास हो गए, और गाइस देखो हम लोगों को मिला एक बढ़िया सा मकान, और गाइस पीछे गोल्ड गोल्ड भरा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा पैसा। तो गाइस आप लोगों के प्यार से हम लोगों का जिंदगी फिर से सही हो चुका है, हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। सो गाइस आपको भी चलो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर देना, और आज से गाइस हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। हाँ भैया हम लोग एक साथ ही रहेंगे। ऑलराइट गाइस।